वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा एक बार फिर से नोट के बारे में ही। अगर आप केबल टीवी के ऑपरेटर हैं तो आपने नोट जरूर यूज करा होगा। मेरे पास एक और नोट है, काफ़ी यूनिक है और ज़्यादातर NXT हिट्स वाले नोट को यूज करते हैं, तो उसका मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा किस तरीके का है, कितना पावरफुल है, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ कि नोट मैंने बहुत तरीके के, आपने भी देखा होगा, मैंने 2A फाइबर का भी दिखाया था जिसमें दो फाइबर इंसर्ट करके साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। आज का जो नोट है बेसिकली एक ही फाइबर इनपुट होगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, बेसिकली मैं क्वालिटी के पर्पस के वजह से वीडियो बना रहा हूँ कि उसकी क्वालिटी आप देखेंगे तो भी आप कहेंगे कि हाँ सच में बेटर क्वालिटी का ये नोट है। और नॉर्मली 500-700 का भी नोट मिलता है जो मार्केट में बहुत जल्द ख़राब भी हो जाता है। तो ये नोट आप शुरू करते हैं और अनबॉक्स करते हैं और उसमें दिखाता हूँ किस तरीके के, पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसे अब बाहर पहले मैं निकाल देता हूँ और बाहर निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसे बाहर रख दीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बेसिकली ये ऑप्टी लिंक का है और मॉडल में 2A ऑप्टिकल रिसीवर है और यहाँ पे पावर लीड बना हुआ है पावर देने के लिए। फिर ये है आपका इनपुट करने के लिए, यहाँ पर देख सकते बना हुआ पॉइंट और यहाँ से 2 RF आउट का पॉइंट बना हुआ है। तो इससे पहले हम ओपन कर लेते हैं, इसे खोलते हैं और खोलने के बाद आप पहले मॉडल डिटेल आप देख लीजिए एक बार, देख सकते हैं मॉडल नंबर वगैरह, इनपुट जो भी है 35-90 वोल्ट तक है, 50-60 दो इसमें पावर सप्लाई बने हुए हैं, इनपुट 1 इनपुट 2 और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं इनपुट 1 इनपुट 2 ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप बात करें हम इस नोट की तो बेसिकली ये है सिंगल इनपुट ही है, यहाँ से आपको फाइबर सिंगल इनपुट ही होगा, बट इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बेटर है। साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे एक जम्पर लगा हुआ है जो यहाँ पे निकलेगा 50, मतलब जो भी सिग्नल आउट होगा बराबर आएगा यहाँ से, और इस जम्पर को आप चेंज भी कर सकते हैं, बेसिकली ऐसे पुश करके बाहर निकालना होता है। और यहाँ पर एक और दिया हुआ है, अगर इसको आप लगाते हो तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 10 dB का लॉस के साथ यहाँ पे निकलेगा, फर्स्ट वाले पे, 2 वाले पे, 1 पे प्रॉपर, 1 पे जितना भी सिग्नल निकलेगा उससे 10 dB इस पे सेकंड वाले पे निकलेगा। तो नॉर्मल वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है FZ1 अगर दिख रहा हो तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूज भी दिया हुआ है और ये सारा थोड़ा हैवी है देखने में, बट ये सिंगल वाला है तो ये भी आप मार्केट से बाय कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये थोड़ा यहाँ पे है, यहाँ से होल करके इसके अंदर फाइबर इंसर्ट करना है, फिर यहाँ पे स्लाइस करके आप कनेक्ट कर देना है पोर्ट को। तो बेसिकली ये दिखाने का रीज़न ये है कि जो नए नए इस बिजनेस में आ रहे हैं या जिन्हें नहीं पता है तो लोग को अवेयर हो सके, ऐसे ऐसी चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल है। होप सो गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thank you very much for watching this video. Thanks a lot.